तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूं सैमसंग का जो थीम पार्क ऐप होता है दोस्तों, उसके अंदर एक अपडेट आया है और कुछ नए फीचर वहां पर जोड़ दिए गए हैं दोस्तों, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो उसके मत करिएगा दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ये आप समझ पाएंगे दोस्तों। चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी अरोड़ और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। तो दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ जाना है आपको अपने मोबाइल के गैलेक्सी स्टोर में। गैलेक्सी स्टोर में जाएंगे, अगर आपके पास थीम पार्क इंस्टॉल है तो वहां पर आपको नया अपडेट मिल जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक नया अपडेट आया है और यहाँ पर नए फीचर जोड़ दिए गए हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है, आप देखेंगे यहाँ लिखा है फिक्स कलर इशू इन कीबोर्ड एंड कैलेंडर नोटिफिकेशन पैनल। जो कलर का इशू था, अगर आपने वहां पर थीम बारे में कोई थीम बनाते थे तो वहां पर कुछ कलर का इशू होगा कीबोर्ड कैलेंडर और नोटिफिकेशन में, जो कि उन्होंने रिजॉल्व कर दिया गया है। और यहाँ पर एक नया फीचर जोड़ दिया गया है जो कि इम्प्रूव्ड आइकन एडिटिंग फंक्शन लाइक साइज कलर एक्सेट्रा। तो आप वहां पर आइकन का साइज कलर सबको यहाँ पर इम्प्रूव वो कर दिया है, इम्प्रूव कर दिया, एडिटिंग फीचर वहां पर जोड़ दिए गए हैं जो कि मैं आपको आगे बताया। तो आपको उसको कर लेना है अपडेट। अपडेट करने के बाद आप उसको ओपन करेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा एडिटिंग का ऑप्शन जो कि मैं आपको आगे बता देता हूँ। इसको होने देते हैं अपडेट, उसके बाद आगे आपको बताता हूँ। तो उसको आपको डाउनलोड करने के बाद आपको उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर जो भी आपने पहले से कोई थीम क्रिएट कर रखी हो, आप चाहें तो उसमें चले जाएं या फिर आप अलग से भी कोई थीम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको करना क्या है, जो थीम आपने क्रिएट कर रखी है आप उस पर जाना है, या फिर आप नहीं बनाना चाहें तो उस पर सकते हैं, एडिट कर लेना है। एडिट पर जाने का जो यहाँ पर जो चेंजेस आए आप देखेंगे, जो यहाँ पर लिखा है आपको दिख रहा हो, मैं आपको बता देता हूँ कि जो नया चेंजेस था जो अभी पढ़ा था, यहाँ पर जो चेंजेस आया इम्प्रूव आइकन एडिटिंग फंक्शन, तो मैं आपको बता दूं ये कहाँ मिलेगा। तो ओपन करने के बाद आपको यहाँ जाना है आइकन वाले ऑप्शन पे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर जाएंगे आप चेंज वाले आइकन पे। यहाँ पर जाने के बाद अगर आपको किसी को भी यहाँ पर चेंज कर दोस्तों, यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको कोई सा भी यहाँ पर आइकन को सिलेक्ट करना है। लाइक मैंने यहाँ पर ले लिया प्ले इंस्टाग्राम का आइकन ले लिया। इंस्टाग्राम का आइकन लेने के बाद आपको यहाँ पर एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट में आपको प्री डिफाइंड यहाँ पर इतने सारे शेप्स मिल जाएंगे, जिस शेप्स में आपको लेना है आपको उस शेप्स को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप चाहे तो यहाँ पर आइकन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। लाइक मेरे को यहाँ पर ब्लू लेना है तो ये ब्लू कलर हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लू कलर हो गया। अब यहाँ पर जैसे कि अब मैं इसको हिला दिया है, ये यहाँ पर ब्लू कलर हो गया। आप चाहें तो इसको मूव ऑन भी कर सकते हैं, ये हो गया। उसके बाद बैक आएंगे, यहाँ पर अगर आपको उसकी फोटो चेंज करना हो, मतलब अपनी फोटो लगाना है, यहाँ पर जाएंगे। यहाँ जाने के बाद आपको अपने एल्बम पे जाना है। एल्बम पे जाने के बाद आपको अपनी कोई सी भी अपनी फोटो को यहाँ पर लगा लेना है, जो भी फोटो को आपको सेट करना है उस फोटो को वहां पर लगा लेना है। वापस यहाँ क्लिक करेंगे, एडिट में आएंगे तो आप यहाँ पर फोटो को एडजस्ट भी कर सकते हैं, फोटो को एडजस्ट भी कर सकते हैं, शेप चेंज करना चाहे वापस इसका वो भी चेंज कर सकते हैं, कलर आप ट्राई कलर भी चेंज करना चाहे तो ट्राई कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप उसके बहुत सारे यहाँ पर शेप्स का ऑप्शन दे दिया गया। मेन चीज यहाँ पर आप शेप्स अच्छे अच्छे तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, लाइक जो कि मैंने अभी इससे पहले क्रिएट करा था। आपको यहाँ पर शेप्स क्रिएट करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन दे दिए गए। तो कमाल का ये नया फीचर है। अगर आप चाहते हैं कोई भी ऐप नए शेप्स में देखे और कुछ नया लिखे तो आप इसका यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत मजा आने वाला है। उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है उसमें वीडियो कुछ कमी हो डिसलाइक कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो रिलेटेड या कुछ भी, आप उसे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर डीएम करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि मेरे चैनल की नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो करना भी ना भूले, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू।